नमस्कार, मैं हूं दीपिका पांडे और आप देख रहे हैं खबर टुडे न्यूज। आज के दिन देश में इमरजेंसी लागू की गई थी, जिसके लिए उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद में एक लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पहुंचे यूपी सरकार के स्वतंत्र प्रभार और वन पर्यावरण मंत्री अरुण सक्सेना, जहाँ पर उन्होंने लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान समारोह के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित भी किया। और मीडिया को जानकारी देते हुए मंत्री अरुण सक्सेना ने बताया कि वे लोकतंत्र की हत्या की वर्दी में आए हैं। आज ही के दिन उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू की थी और लोकतंत्र का गला घोट दिया था, जिसमें लोकतंत्र सेनानियों ने आंदोलन किया था और जनता उनके साथ खड़ी हुई थी। आज हम लोकतंत्र की हत्या की बर्फी भी आए हैं। यहाँ पर आज के दिन इमरजेंसी लागू की थी इंदिरा गांधी ने, तब की प्रधानमंत्री ने, और लोकतंत्र का गला घोट दिया। ये लोकतंत्र सेनानी है जिन्होंने आंदोलन किया, जनता खड़ी हुई। जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन चल ही रहा था तो इंदिरा गांधी को मजबूर होकर चुनाव कराने पड़े और उस चुनाव में वो इलेक्शन हार गई। ऐसी हारी कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी सीट नहीं मिली, हरियाणा पंजाब में भी एक भी सीट नहीं मिली, दोनों माँ बेटे हार गए। साथ ही उन्होंने अग्निपथ के लिए भी बयान दिया, तो आइए देखते हैं कि उन्होंने देश में चल रहे अग्निपथ के विरोध को लेकर क्या कहा। अरे बताया, कुछ लोगों का काम ही है गलत बात कहना, लोगों को भड़काना, सीधे साधे लोगों को भड़काना। अग्निपथ योजना का मैं समर्थन करता हूँ और यहाँ हम युवा के फायदे की। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही अन्य खबरों के लिए बने रहें खबर टुडे न्यूज के साथ।